क्लासिक सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 5 जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, रीडिंग पेज 48-49। क्लास हम सेकंड सेमेस्टर जो है अपना ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लेसन 5 एग्रीकल्चर है। रीडिंग पेज 48-49। डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू टू मेन कैटेगरीज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल एंड ह्यूमन इनपुट्स। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को दो भागों में, दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया जो कि फिजिकल और ह्यूमन इनपुट पर डिपेंड करती हैं। दीज टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। लेट अस डिस्कस द कैटेगरीज इन डिटेल। ये टाइप जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर है। अब हम इसके बारे में, इसकी अलग अलग कैटेगरीज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। सब्सिस्टेंस में प्राइमिटिव और इंटेंसिव एग्रीकल्चर आते हैं, जो कि प्राइमिटिव में आगे शिफ्टिंग कल्टिवेशन और नोमैडिंग हर्डिंग है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। फिर है कमर्शियल। कमर्शियल में एक्सटेंसिव प्लांटेशन और मिक्स्ड है, जिसे कि हम अपनी नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। द टर्म सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स फॉर कंजप्शन। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए क्लास। द शब्द सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स फॉर कंजप्शन। कंजप्शन के लिए यानी कि अपनी जरूरत के लिए फसलों को उगाना। द टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट इज स्मॉल। इसका जो टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट होता है वो काफ़ी कम होता है। द एग्रीकल्चर इनपुट इंक्लूड फैमिली लेबर एंड सिंपल ट्रेडिशंस टूल। इस एग्रीकल्चर इनपुट में फैमिली लेबर और सिंपल पारंपरिक जो है औजार प्रयोग किए जाते हैं। मोस्टली फूड क्रॉप्स और सीरियल ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें जो है फूड क्रॉप्स और सीरियल ग्रेन्स को ज़्यादातर उगाया जाता है। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज जनरली प्रैक्टिस्ड बाय द इंडिजीनियस पीपल, ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट फॉरेस्टेड और हिली रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार की खेती जो है लगभग इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल के द्वारा जो है फॉरेस्टेड प्लेसेस पर या फिर हिली एरिया में, संसार के हिली एरिया में की जाती है। इट इज़ फर्दर, इसे फिर आगे दो भागों में बांटा गया, शिफ्टिंग कल्टिवेशन और नोमैडिंग हर्डिंग में। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन द फॉरेस्टेड एरियाज। इन दिस फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग ऑफ ट्रीज, बर्निंग देयर अंडरग्रोथ एंड कल्टिवेटिंग न्यू क्रॉप्स फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। When the plot of land loses fertility, it is left barren. इस प्रकार की खेती जो है फॉरेस्टेड एरिया में की जाती है। इस प्रकार की खेती में धरती के छोटे से प्लॉट को, पेड़ों को काटकर या फिर उनके जड़ों को जलाकर जो है साफ कर लिया जाता है और नई खेती जो है कुछ सालों तक की जाती है। नई फसल की नई खेती जो है कुछ सालों तक की जाती है। जब वो प्लॉट अपनी फर्टिलिटी, उस प्लॉट की जो है फर्टिलिटी कम होने लगती है, इट इज़ लेफ्ट बैरन, ये बिल्कुल बंजर हो जाता है, टिल इट रिगेन्स फर्टिलिटी, फिर इसे दोबारा फर्टिलिटी गेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन द मीन टाइम, इसी समय के बीच में अनदर पैच ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड बाय द सेम प्रोसेस। फिर इसी ही सेम प्रोसेस के लिए दूसरे लैंड के पैच को या टुकड़े को साफ कर लिया जाता है, खेती के लिए तैयार कर लिया जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इट इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न मेथड इन इंडिया। ट्यूबर क्रॉप्स लाइक जर्म्स एंड टैपियोका आर ग्रोन बाय दिस मेथड। इन द शिफ्टिंग कल्टिवेशन फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड। इसे जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, इसे स्लैश और बर्न भी कहा जाता है। भारत में ट्यूबर क्रॉप्स जैसे कि यम और टैपियोका जो है इसी मेथड से उगाए जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होता। अब है नोमैडिक हर्डिंग। इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल कीप कैटल, शिप एंड गोट्स एज देयर लाइफ स्टॉक। संसार के कई एरियाज में इंडिजीनियस लोग जो है अपने साथ पशुओं को, शिप्स को, गोट्स को
अपने लाइव स्टॉक की तरह रखते हैं, के रूप में रखते हैं। दीज पीपल अलोंग विद देयर एनिमल हर्ड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स। ये लोग अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रेजिंग ग्राउंड की खोज में घूमते रहते हैं। इन पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड। संसार के साउथ वेस्ट अफ्रीका में, नॉर्दर्न यूरेशिया में और वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट में नोमैडिक हर्डिंग जो है अभी भी जारी है। दे आर स्टिल फाउंड इन सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया। ये जो है दे आर स्टिल, ये अभी भी सेमी एरिड पार्ट में और एरिड एरिया में, सहारा के, सेंट्रल एशिया ऑफ राजस्थान एंड जम्मू और कश्मीर के, भारत के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अब है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन आर प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल प्लॉट विद ट्रेडिशनल टूल्स एंड मैनुअल लेबर। इस प्रकार की खेती में ट्रेडिशनल खेती के तरीकों का प्रयोग किया जाता है और ये जो है किसी छोटे प्लॉट पर इसकी जो है खेती की जाती है ट्रेडिशनल टूल्स के साथ और मैनुअल लेबर के साथ। इट हैज रिटेन्ड सम ऑफ इट्स फीचर सिंस एशियन टाइम्स एंड स्टिल प्रैक्टिस्ड अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस विद एनफ सनी डेज, हाई ह्यूमिडिटी, नेचुरल रेनफॉल एंड फर्टाइल सोयल। ये जो है पुराने समय के कुछ जो है कुछ विशेषताओं के साथ जो है इसकी खेती अभी भी जारी है और इसे जो है सेम क्लाइमेटिक कंडीशन और वही काफ़ी सनी डेज, हाई ह्यूमिडिटी में, नेचुरल रेनफॉल में और फर्टाइल सोयल पर की जाती है। राइस एज एन एशियन सोसाइटीज इज अ स्टेपल फूड क्रॉप फॉलोड बाय वीट, मेज, पल्सिस एंड ऑयल सीड्स। राइस जो है, राइस एक पुराने समाज में एक स्टेपल क्रॉप थी जो कि वीट, मेज, पल्सिस और सीड की तरह फॉलो की जाती है, यानी कि उगाई जाती है। रेगुलर सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर एंड वाटर थ्रू इरीगेशन एंश्योर स्टेबल प्रोडक्शन। रेगुलर सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स और जो है इरीगेशन, वाटर का प्रयोग जो है इरीगेशन के द्वारा जो है स्टेबल प्रोडक्शन को इंश्योर करता है, यानी कि खेती को बनाए रखता है। द लैंड इज इंटेंसिवली cultivated twice, sometimes even thrice a year to meet the demand of food for the dense population. ये लैंड पर जो है इस प्रकार की खेती साल में दो बार या कई बार तीन बार जो है लोगों की डिमांड को, अधिक पॉपुलेशन के भोजन की डिमांड को पूरा करने के लिए की जाती है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड इंडोनेशिया। ये जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया में जारी है। क्लास हमारी जो है आज की रीडिंग यहीं तक रहेगी, पेज 49 तक।